हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना। ओके, सो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर आप कह सकते हैं इस स्कीम या योजना को लॉन्च किया। ओके, तो बेसिकली इसका जो एम है, ठीक है, वो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, या बेसिकली ये रिलेट करता है किससे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। और इसका जो आउटले है वो है 50,000 करोड़ का। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मतलब दिमाग में रख के बनाया है, और ये है माइग्रेंट वर्कर्स को। ठीक है, जो कि अपने देश नहीं बोल सकते, अपने जो नेटिव प्लेस है, ठीक है, या अपने जो होम्स है, ठीक है, या अपना जो होम स्टेट है वहां पे लौट के आए हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू द लॉकडाउन। ठीक है, जो कोरोना का पैंडेमिक था उसके कारण वो जो माइग्रेंट लेबर्स वापस बैक टू पवेलियन आए हैं या अपने होम्स आए हैं रिटर्न होके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जॉब लॉसेस है और उनके जो मतलब पालन पोषण में जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उसके मद्देनजर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है ताकि वो आने वाले समय में अपना जो मतलब पालन पोषण है या फिर अपना जो एम्प्लॉयमेंट है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत अपना अपने आप को रजिस्टर करा के वहां से अर्न कर सकते हैं या फिर लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं पूरे मतलब इसके जो पूरे कॉन्सेप्चुअल क्या क्या स्टैट्स हैं, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है, कितने स्टेट्स कवर होने वाले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स कवर होने वाले हैं, तो इसमें हम पूरे डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ओके, गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये 116 डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है, 116 डिस्ट्रिक्ट जो कि पूरे भारत में होंगे। ठीक है, वो इक्विवेलेंट है लगभग 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब लगभग इतने लोग उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली मतलब 2/3 लोग रिटर्नी जो है वो है माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, अब जो स्टेट कवर हो रहे हैं वो 6 स्टेट है बेसिकली। ठीक है, बिहार जैसे मान लीजिए पूरे भारत में ये पर्टिकुलर एक पायलट मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले से रन कराने की कोशिश की जा रही है, और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको मद्देनजर रख के फिर ये आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। ओके, तो अभी फिलहाल इसे 6 स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड, ठीक है, ये 6 स्टेट्स में किया गया। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं 32, 31, 24, 22, 4, 3, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये इन टोटैलिटी आ रहा है 116 डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये लगभग होने वाले हैं 27। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ये पर्टिकुलर स्कीम कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब टारगेट करके बनाई गई है, तो 116 है, और कितने स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए किन स्टेट्स की बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एज अ मिशन मोड, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से रन किया जाएगा। कहां पे? जो कि 6 स्टेट्स और 116 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, बट ये जो पूरा कंसर्न है ये सिर्फ 125 दिन के लिए है। ठीक है, ये पहले जो पायलट प्रोजेक्ट है ये 125 दिन के लिए चला जाएगा, लगभग आप यहाँ बोल सकते हैं 4 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेट्स कवर होने वाले वो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यही पर्टिकुलर जो 6 स्टेट्स हैं यहाँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने मतलब घर लौटे हैं या फिर वापस आए हैं, वो अपनी जॉब छोड़ के अपनी लाइवलीहुड अपनी अर्निंग्स को वहां पे छोड़ के आए हैं और ये अब अपने नेटिव प्लेस या अपने रूरल एरिया में है, तो इन्हें कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए ताकि वो वहां पे भी जाके जो अपने स्किल्स हैं उससे भी दूर ना रहें। ठीक है, प्लस जो उनकी एक अर्निंग थी जो कि मतलब हैम्पर हुई है जस्ट बिकॉज ड्यू टू दिस लॉकडाउन, तो वो भी यहाँ पे हैम्पर ना हो इसके मद्देनजर ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, अब बेसिकली जो इंप्लीमेंटेशन होगा इस पर्टिकुलर स्कीम का वो क्या आपने दिमाग में रख रहे हैं, ये 25 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को अपने दिमाग में रख रहे हैं। ओके, अब ये जो इतने सारे व्यक्ति आए हैं अब इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो किस चीजों में देंगे, यानी उसका बेस क्या है, आधार क्या है, तो आधार ये है जो 25 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्क हैं वहां ये काम करेंगे, इनको वहां रोजगार मिलेगा। ठीक है, और ये जो 25 वर्क हैं, ठीक है, ये बेसिकली किस सेक्टर से रिलेटेड है, क्या क्या चीजें होंगी वहां पे, वहां पे जो सेक्टर्स रिलेटेड है वो है रूरल हाउसिंग फॉर पुअर्स, इस सेक्टर में उन्हें काम मिलेगा, प्लांटेशन में मिलेगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहां मिलेगा, जैसे जल जीवन मिशन है इसके अंतर्गत पाइपलाइन जो वाटर होती है ड्रिंकिंग वाटर वो घर घर तक पहुंचाया जाता है रूरल एरियाज में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन
सोचते हैं जो कि विलेज पंचायत के या पंचायत लेवल पे जो भी काम होंगे ने वहां भी रोजगार मिलेगा, ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट्स अगर बन रहे हैं वहां, ठीक है, रूरल मंडीज में, रूरल रोड्स में, कैटल शेड्स में, आंगनवाड़ी भवन, जहां भी मतलब इनका जो कंस्ट्रक्शन होगा इन्हें इस पर्टिकुलर एरियाज में इन्हें वर्क मिलेगा, ओके। और बेसिकली आपसे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इस पर्टिकुलर स्कीम की जो मतलब एजेंसी है या फिर नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कराएगी, प्लस ये कोऑर्डिनेट करेगी आपस में, और साथ ही साथ इन्हें जॉब प्रोवाइड कराना, फिर इनकी सैलरीज देना, फिर ये असेस करना कि कितना वर्क बच गया है या कितना होने को बाकी है, तो ये सारे इनके अंतर्गत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो नोडल मिनिस्ट्री है ये फर्दर 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से चर्चा करेगी या फिर बातचीत करेगी ताकि यहाँ पे जो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो स्मूथ और अच्छे से हो सके, ओके। बेसिकली जो मेन मुद्दा ये है कि अगर 25 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स अगर चल रहे हैं पूरे देश में और इन्हें फिर से रिवाइव करेंगे तो जरूरी नहीं है ये 1, 2, 3 या 4 मिनिस्ट्री के अंतर्गत हो रहे हो, ये मतलब आप कह सकते हैं 10, 15, 20 मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, बट इस पायलट प्रोजेक्ट में यहाँ पे सिर्फ 12 मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है, और जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ओके। तो अब देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मिशन को जो कि कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये बेसिकली एक एफर्ट है, कन्वर्जेंट एफर्ट्स ऑफ 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है यहाँ पे इन्वॉल्व, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जैसा मैंने आपको बताया वहां पे पंचायत भवन बनाएंगे, अब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, नेशनल जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखेगी, जो नेशनल रोड सिक्योरिटी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत माइंस रिलेटेड वर्क्स में भी ये काम करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में जल जीवन मिशन आ जाएगा, एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें ये काम करेंगे, प्लस रेलवेज की अगर जहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे रेलवे इतने समय से बंद पड़ा है और पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि रेलवे भी इतने समय के लिए बंद हुआ है, तो अब रेलवे का जो भी प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो भी रेलवे अपना मतलब रीडेवलपमेंट चाह रहा था या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बंद पड़े थे जिन्हें ठीक करना था या फिर वहां पे कोई रेनोवेशन का कोई अगर प्रोजेक्ट था उसे यहाँ पे रेलवे भी अच्छे से कैरी आउट कर जाएगा, क्योंकि रेलवे ने भी अब नोटिफिकेशन ला दिया है कि 12 अगस्त तक अब कोई भी रेलवे नहीं चलेगी, रेलवे ट्रेन्स नहीं चलेगी एक्सेप्ट जो कि श्रमिक ट्रेन्स वगैरह चल रही है उसके अलावा, ठीक है। पेट्रोलियम एंड गैस जो मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि अब रिफाइनरीज बनने वाली है, ठीक है, जो कि फर्दर कोल या फिर जो क्रूड ऑयल है उसे स्टोर करेगी, ठीक है, क्रूड ऑयल्स को स्टोर करने, तो यहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट देगी, प्लस जो बॉर्डर रोड्स हैं, ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन चल रहे हैं, तो जो बॉर्डर रोड्स जो डेवलप होंगी वहां भी इनको मिलेगा, प्लस टेलीकॉम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेन जो मिनिस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मोस्ट ऑफ दी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, ठीक है, ज्यादातर अनस्किल्ड हैं, लेकिन स्किल्ड भी हैं, तो जो जैसा स्किल्ड होगा जिसका जितना भी नॉलेज होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा, स्किल्ड नॉलेज होगा, ठीक है, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अलग मिनिस्ट्रीज है वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ, और यहाँ पे क्या होगा एक पोर्टल के थ्रू वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाएंगे फिर पीएम जो गरीब कल्याण योजना है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी, अपना क्राइटेरिया, प्लस अपना नेटिव स्टेट, प्लस अपना नेटिव जो पर्टिकुलर प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तालुका है, विलेज है, वो सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें वहां पे जो आप कह सकते हैं मैसेज के थ्रू हो, ठीक है, या फिर SMS के थ्रू या फिर डिफरेंट कॉल्स के थ्रू वहां पे उनको अलर्ट किया जाएगा, प्लस वहां के जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है उसके सुपरवाइजर से या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हेड से कोऑर्डिनेट करके उन्हें उसी पर्टिकुलर एरिया में जॉब दिलाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अब उन्हें फिर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर फिर ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसी पर्टिकुलर नेटिव एरिया में जहां के वो रेसिडेंट हैं वहीं के आसपास के एरिया में आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर विद इन मतलब उस पर्टिकुलर रेडियस में जो भी अवेलेबल जॉब होगा उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी से रिलेटेड, ठीक है, वो वहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मतलब दिया जाएगा, ये पर्टिकुलर पूरा मुद्दा है इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स, और ये तो पूरा मुद्दा था, ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे जहां पे आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया, आप इसे जरूर अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ओके। तो ये थी हमारी पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान या फिर आप कह सकते हैं योजना, ठीक है।
अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना कारगर सिद्ध होगा, या आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्कीम उतना अच्छे से वर्क कर पाएगी जैसा इसे सोचा गया है, या फिर इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन कराने की बात कही जा रही है। ठीक है, प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये कोई परमानेंट स्कीम नहीं है। ठीक है, आप इसे ये नहीं कह सकते ये हमेशा चलेगी। ठीक है, और इसके जो ऑफिशियल्स हैं, हेड्स हैं, उन्होंने ये कहा है ये सिर्फ देख रहे हैं 125 दिनों में। ठीक है, 125 दिन के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम को आगे मतलब चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम अभी कैसी है, तो अभी आप कह सकते हैं ये एज अ टेम्पररी है, ये मिशन मोड पर काम करेगी और 125 दिन के बाद ही इसका फैसला होगा कि ये आगे जाके कैसे वर्क करेगी, इसका मतलब पूरा ढांचा या फिर पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और है सोचने वाली या फिर मतलब जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि आपको लगता है कि 12 इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज आपस में उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर लेंगी? ठीक है, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत, वो इतना मतलब कारगर होगा कि मतलब ये सिर्फ पेपर पे ही अच्छी स्कीम है या फिर बोलने या फिर चर्चा करने पर ही अच्छी है? ठीक है, और ये मनरेगा जो स्कीम चलती है, ठीक है, जहां पे 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिलता है, ये उससे अलग है। ठीक है, ये उसके अंतर्गत नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। मनरेगा एक होलसोल डिफरेंट स्कीम है। ठीक है, और ये जो नई स्कीम लॉन्च की गई है 50,000 करोड़ के आउटले से, ये टोटली डिफरेंट है और ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन कराया जाता है ओनली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स जो कि वापस आए हैं। ओके, बेसिकली मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में लोग वहीं के नेटिव जॉब करते हैं। ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं जाते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपना नेटिव स्टेट ए है, ए से छोड़ के बी में आया है और यहाँ पे मनरेगा की जॉब नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो स्किल्ड या फिर कुछ अलग जॉब्स करेगा। ठीक है, बट अगर कोई व्यक्ति ए है और वो अपने स्टेट में अगर जॉब कर रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये मनरेगा के अंतर्गत ही ये 100 दिन वाले रोजगार में ही काम करेगा। तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस है कि मनरेगा अलग है और ये अलग है, बट ये अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन कराया जाएगा 125 दिन के लिए, फिर इसके बाद इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पर्टिकुलर स्कीम है ये कितनी फ्रूटफुल हो सकती है, या फिर इसके एडवांटेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इसमें कितने मतलब फॉल्ट्स हैं, या फिर आप भी सोच सकते हैं, आप भी डिफरेंट क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, आप और आप ही कुछ अच्छे सुझाव भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो ये था पूरे वीडियो गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई, आप इसे विजिट कर सकते हैं। और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, उससे क्या होता है काफी मोटिवेशन मिलता है फॉर क्रिएटिंग दिस ऑसम लेसन। सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।